एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं एक की सैर, दो का तमाशा, तीन का मेला और चार का झमेला। कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है इजराइल और हमास के युद्ध में, जहां एक तरफ अमेरिका ने अपने युद्ध पोतों को उतार दिया है और अरब देशों में जो अमेरिका के बेस है वहां पर हथियारों की तैनाती कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चाइना ने भी मिडिल ईस्ट में अपने युद्ध पोतों को उतार दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत क्या भेज रहा है और इजराइल हमास युद्ध में क्या कर रहा है। ये सब कुछ के बीच में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना से पता चलता है कि पश्चिमी दुनिया हर हाल में इजराइल के साथ खड़ी रहेगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के इस जंग में कहीं भी नरमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और पश्चिमी दुनिया पूरी तरीके से साथ खड़ी दिखाई दे रही है इजराइल की। और किस लेवल का, आपको बता दें, बाइडेन ने, हमने आपको बताया था कि यूएनएससी में जब वोटिंग हो रही थी ब्राजील के प्रस्ताव को लेकर और उस वोटिंग में सीज फायर की बात कही गई थी, लेकिन इजराइल ने, इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ और इजराइल को अपना अधिकार है रक्षा करने का, ये पॉइंट नहीं था, तो अमेरिका ने वहां वीटो लगा दिया। यानी कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि अमेरिका चाहता है कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए और गाजा में हमास का नामो निशान मिट जाए, ताकि बार बार जो इस तरीके के हमले हो रहे हैं वैसा न हो। इस वक्त कहा जा रहा है गाजा को चारों तरफ से घेर लिया गया है इजराइल के द्वारा, पर अभी तक जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। जमीनी कार्रवाई जहां शुरू नहीं की गई है, पर बमबारी अभी भी लगातार जारी है और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पे बमबारी होती जा रही है। इन सब के बीच में पश्चिमी दुनिया इस वक्त किस तरीके से सपोर्ट में है इजराइल का, उसका एक ताजा उदाहरण ले लीजिए। ये जो बंदा देख रहे हैं आप, ये बंदा एक बड़ा नामचीन बंदा है और फोर्ब्स की लिस्ट में ये आ चुका है। वेब समिट, ये जो कंपनी है इसका मालिक है, सीईओ था पैडी कोसग्रेव, इसने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन किया है, वजह सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इतना ज्यादा समर्थन, इस लेवल का इजराइल को समर्थन। इस बंदे ने इजराइल के खिलाफ बोल दिया और इजराइल के खिलाफ क्या बोला, इसने इजराइल के खिलाफ बहुत ही कड़ा स्टैंड लिखते हुए बोला था कि इजराइल के हमले पर, ये कहा था कि जो वेस्टर्न दुनिया है, इजराइल के हमले पर बोला था कि जो वेस्टर्न दुनिया है अपने सहयोगी भी अगर वॉर क्राइम कर रहे हैं तो उसे वॉर क्राइम मानना चाहिए। आपको बता दें इस वक्त ना एक सिलसिला खड़ा हुआ है कई सारे ऐसे लोगों का, कई सारी ऐसी संस्थाओं का भी जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। स्क्रीन पर एक छोटी सी कटिंग देखिए। इनके बयान देने के पहले, इन्होंने ट्विटर पर बयान दिया था, इनके बयान देने के पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने भी एक बयान दिया था और कहा था कि कुछ लोगों के हमले, यानी हमास के हमले का बदला आम सिविलियन को, सभी को एक साथ इस तरीके से सामूहिक सजा देकर नहीं लिया जा सकता है, ये गलत है। उसके बाद पैडी ने ये बयान दे दिया और इस बयान का क्या असर हुआ वो देखिए, आप स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस बयान का असर ये हुआ कि गूगल ने, मेटा ने, कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने कह दिया कि चूंकि इसने इजराइल के खिलाफ बयान दिया है इसलिए इस वेब समिट में हम नहीं जाने वाले हैं। और जैसे ही वेब समिट को लेकर कहा गया कि हम इसमें भाग नहीं लेने वाले हैं, वैसे ही इनको इस्तीफा देना पड़ गया। और सिर्फ इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, इन्होंने कहा कि इस पूरे इवेंट को खराब कर दिया मेरे पर्सनल कमेंट्स ने और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इन्होंने फिर एक लंबा चौड़ा 600 वर्ड का पोस्ट लिखा और कहा कि इजराइल को अपना सुरक्षा करने का हक है और
और हमास को भी बिना किसी शर्त के बंधकों को छोड़ देना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इजराइल जो करेगा वो इंटरनेशनल लॉ और जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही करेगा। अब जो उन्होंने पहले कहा था और जो ये अभी कह रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब ये समझ लीजिए कि वेस्टर्न दुनिया इस वक्त किस तरीके से एकजुट है कि बड़ी बड़ी पश्चिमी कंपनियां एक है इजराइल के मुद्दे पे। दरअसल समस्या ये है कि जो हमास ने दुनिया के सामने दिखलाया और जिस तरीके से करके दिखलाया ना, वो सीन जो है ना लोगों के नजरों से ओझल नहीं हो रहा है। शुरुआत हमास ने की और आगे इजराइल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हमास का चेहरा पहले से है। यही वजह है कि जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी एकजुट होकर खड़ी हो गई हैं वेस्टर्न दुनिया के साथ। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका न सिर्फ यहाँ युद्धपोत भेज रहा है, बल्कि अरब देशों में उसके जितने बेस हैं उन बेस में लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। हथियारों की सप्लाई करके अमेरिका मजबूत रखना चाह रहा है। स्क्रीन पर आप CNN की इस रिपोर्ट को देखिए, अमेरिका एडिशनल मिसाइल डिफेंस मिडिल ईस्ट में तैयार रख रहा है और न सिर्फ इतना बल्कि एडिशनल मिलिट्री फोर्स को भी तैयार रख रहा है। अब जहां अमेरिका इस तरीके की तैयारी कर रहा है, तो अभी तक चाइना दूर था, सिर्फ शब्दों से था, पर मिडिल ईस्ट के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अब चाइना ने भी हरकतें शुरू कर दी है। आपको बता दें, पहले भी चाइना ने गोल मटोल सा इस युद्ध के बारे में आंसर दिया था, उस वक्त पता ही नहीं चलता था कि चाइना किसकी तरफ खड़ा है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने भी अपने युद्ध पोतों की तैनाती करनी शुरू कर दी है। और चाइना ने अपने युद्ध पोतों की तैनाती कहां करी है, मन में सवाल उठेगा, तो आपको बता दें चाइना ने भी अपने युद्ध पोतों की तैनाती मिडिल ईस्ट में ही करनी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में कहां, अभी फिलहाल इसके युद्ध पोत कुवैत में खड़े बताए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे चाइना भी अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को समर्थन करता हुआ दिख रहा है। इससे पहले जिनपिंग ने हाल ही में कहा था कि वो इजिप्ट से बातचीत करेंगे, मिडिल ईस्ट के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे इस मुश्किल समय में। अब आपको बता दें, जैसे ही चाइना का युद्ध पोत पहुंचता है टास्क फोर्स के साथ, वहां पर कुवैत में उन्हें रिसीव करने के लिए 200 से ज्यादा लोग कुवैत मिलिट्री के वहां मौजूद थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिर्फ कुवैत मिलिट्री के ही नहीं, चाइनीज एम्बेसी के भी। और यहाँ पर थोड़ा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं भारत ने भी मानवीय सहायता भेज दिया है और इजिप्ट के बॉर्डर के रास्ते से होते हुए ये पहुंच रहा है अंदर गाजा के। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।